वेलकम बैक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट साइट्स। साइट्स आर द वेयर द प्लेसेस वेयर मेनी एंशियंट थिंग्स वाज बीइंग फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट्स सच एज मेहरगढ़, कोल्डी हवा, महागारा, गुफक्राल, ब्रुजहोम, चिरौंद, हेलूर, पेयमपल्ली, ये सभी साइट्स थे। तो साइट्स में क्या है, चैप्टर थ्री में है, चैप्टर थ्री की बातें हो रही है। तो मेहरगढ़ ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह था, ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है और यहाँ से यहाँ पहली बार गेहूं और जौ की खेती हुई थी और यहाँ पहली बार भेड़ और बकरी पाले गए थे। तो मेहरगढ़ काफी इंपोर्टेंस रखता है, ये पाकिस्तान में है, कोल्डी हवा यूपी में है। अब देखिये ये जितने भी साइट है मैं आगे जो उल्लेख करूंगा तो उसमें अनाज और जानवरों के हड्डी मिले हैं। जैसे मेहरगढ़ में हुआ व्हीट और बार्ले, गेहूं और जौ के अवशेष मिले और यहाँ सिर्फ गॉट कैटल के हड्डी मिले। उसी तरह कोल्डी हवा यूपी में यहाँ राइस और एनिमल बॉन्स मिले हैं। महागारा यहाँ राइस और कैटल मिले हैं। गफकराल यहाँ व्हीट एंड लेंटिल मिला है। ब्रुजहोम यहाँ व्हीट एंड लेंटिल, डॉग, कैटल, सिप, गॉट, बफेलो आदि की हड्डियां मिले हैं। चिरौंद ये सारण में है, ब्रुजहोम कश्मीर में है, उसके बाद हेलूर ये आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद पेयमपल्ली ये आंध्र प्रदेश में है। इस तरह से हम लोग साइट के बारे में जान गए। अब है टुवर्ड्स सेटल्ड लाइफ। मैंने बताया कि सेटल्ड लाइफ जब एक जगह वो लोग खेती करने लगे तो फसल को बोने से लेकर जब तक फसल पक नहीं जाता था तब तक लोग वहीं उसी एरिया में रहते थे ताकि फसल की भी सुरक्षा हो। दूसरी बात, पास में नदियां होती थी जिसमें पानी होते थे और उसे सींचा जाता था। तो इस तरह से अब वो लोग जब खेती बाड़ी करने लगे तो सेटल्ड लाइफ जीने लगे, यानी उसका लाइफ स्टाइल क्या हो गया, अब सेटल, अब वो ग्रुप में रहने लगे जिसको हम ट्राइब्स कहते हैं। जब एक या दो जनरेशन के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं तो वो होता है ट्राइब्स। यानी अब लोग समूह बनाकर रहने लगे और उसका वो समूह जो बन गया वही कहलाया ट्राइब्स। अब है कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। तो देखिए कस्टम में क्या था, कस्टम का क्या अर्थ होता है, कस्टम का अर्थ होता है रीति रिवाज। इन लोगों की अपनी मान्यताएं थी, अपनी रीति रिवाज थी, इन लोगों के लिए वन देवी हुआ करते थे, ठीक है। और जितने भी ट्राइब्स होते थे वो तरह तरह के काम करते थे, चाहे वो फिशिंग हो, फार्मिंग हो, हर्डिंग हो, गैदरिंग हो, ठीक है, ये सभी काम फैमिली मेंबर्स के द्वारा किया जाता था। इन लोगों का कस्टम ये था कि एग्रीकल्चर तो होती ही थी, ये लोग हर्डर भी हो गए थे, मवेशी पालने लगे थे। दे हैव ऑल्सो स्टडी द लाइफ ऑफ हर्डर्स, मेनी ऑफ दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन ग्रुप। अब ये लोग ग्रुप में जो रहने लगे वो कहलाया ट्राइब्स। तो स्कॉलर्स फाइंड दैट दे फॉलो सर्टेन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। उसकी अपनी जो कस्टम थी, उस ट्राइब्स की जो प्रैक्टिसेस थी, ये लोग नाग की पूजा करते हैं, वन देवी की पूजा करते हैं, देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, तो ये सभी इनके कस्टम में था। अब हम चलते हैं मेहरगढ़। सबसे नीचे जो मैंने लिखा है ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट था। दिस साइट इज लोकेटेड ऑन ए फर्टाइल लैंड नियर द बोलन पास। मेहरगढ़ कहाँ था, ये बोलन दर्रा के पास था। मोहरगढ़ बोलन दर्रा के पास था और ये काफी फर्टाइल लैंड था। विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट इन टू ईरान। ये रूट जो होती थी बोलन पास से होते हुए ये ईरान तक जाती थी। तो मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेज वेयर वुमेन एंड मेन लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट। यहीं पर पहली बार महिलाओं और पुरुषों ने गेहूं और जौ और पहली बार भेड़ और बकरी के पालने के प्रमाण भी यहीं मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड, जब इसका उत्खनन हुआ मेहरगढ़ का तो यहाँ ढेर सारे अर्लीस्ट लेवल के देखिए हड्डी मिले हैं। अब हड्डी देखिए क्या होता है कि जब मान लीजिए कि एक लेयर हम इस लेवल में रहते हैं, फिर जब ये भर गया, मान लीजिए कि इस समय वाइल्ड एनिमल जिसका हंट शिकार किया जाता था तो वो उसकी हड्डी यहाँ होगी, उसकी बोन होती थी, फिर ये जगह ढक दिया जाता था, फिर हो और फिर इस तरह से लेयर बनता चला गया। जो सबसे ऊपर का लेयर था उसमें मिला है डोमेस्टिक एनिमल के हड्डियां और सबसे नीचे लेयर जो है उत्खनन में वहां मिला है वाइल्ड एनिमल की हड्डियां। यही अंतर है लेयर को लेकर। लेटेस्ट जो बोन मिला है वो है डोमेस्टिक एनिमल का और अर्लीस्ट लेवल का जो साइट है अर्लीस्ट लेवल में मिला है वहां वाइल्ड एनिमल का। तो इतना हम मेहरगढ़ से जानते हैं। अदर फंड्स
मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस। अब मेहरगढ़ में क्या होती थी, यहां की हाउसेज रेक्टेंगुलर होती थी, या तो स्क्वायर होती थी या रेक्टेंगुलर होती थी। इच हाउसेज हैड कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट हुआ। अब इस कंपार्टमेंट में एक जो कमरा होता था, चार कमरे में से एक कमरा में स्टोरेज की जाती थी। कितने मिनट हुए, पांच, ठीक है। अब है तो ये लोग, इन लोगों की विश्वास ये मान्यताएं थी कि मरने के बाद भी जीवन होता है। इसलिए क्या होता था कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था उस समय, तो उसको दफनाया जाता था, और उसके दफनाने के साथ साथ उससे जो भी उसकी पसंदीदा वस्तुएं होती थी, चाहे वो आभूषण हो या औजार हो या कोई पालतू जानवर हो, जो भी उसकी पसंदीदा चीजें होती थी, उसको भी बरियल्स में डाल दिया जाता था उस आदमी के सब के साथ। तो उसकी मान्यता ये थी कि मान लीजिए कि जो फूड हम डालेंगे तो फिर जन्म होगा, तो वही फूड उनके लिए उपलब्ध होगा। और कहीं कहीं तो ये होता था कि बकरा, बकरी, भेड़ को भी सब में डाल दिया जाता था। यहां तक कि दास दासी यदि होती थी उस समय के लोगों को, तो वो दास दासी भी कब्र में दफना दिए जाते थे। जैसे बुर्ज होम से मिला है कि वहां आदमी के साथ साथ कुत्ते भी दफना दिए जाते थे। अब है दाओ जली हेडिंग। देखिए दाओ जली जो है ये ब्रह्मपुत्रा वैली के नियर है, पहाड़ी के नजदीक है, क्लोज टू द रूट लीडिंग इनटू चाइना, जो रूट चाइना और म्यांमार को जाती है, उस रूट में दाओ जली हेडिंग है। हेयर स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोर्टार्स एंड पिस्टल हैव बीन फाउंड। यहां दो चीजें याद रखनी है, दाओ जली हेडिंग में दो चीज मिला है, मोर्टार्स एंड पिस्टल। दिस इंडिकेट दैट पीपल वेर प्रोबेबली ग्रोइंग ग्रेन एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट, उससे लोग अनाज तैयार करते थे। अदर फाइंड्स जैसे जेडेट मिला है, वो कहां से मिला है, दाओ जली हेडिंग से, और जेडेट एक स्टोन था दैट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना, जो कि चाइना से लाया गया था। तो जेडेट एक स्टोन है जो कि चाइना से मंगवाया गया था उस समय। एंड ऑल्सो कॉमन आर फाइंड ऑफ टूल्स मेड ऑफ फुसिल वुड, फुसिल वुड से भी जो भी उपकरण होते, टूल्स होते थे, उसके भी प्रमाण मिले हैं। अब यदि मैं एल्सवेयर अन्यत्र जगह की बात करूं, एटलस की बात करूं, देखिए तुर्की, एटलस में आप तुर्की को देख सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्योलिथिक साइट, तुर्की जो है न्योलिथिक साइट्स है। कैटल हुयुक वाज फाउंड इन तुर्की, यहां तुर्की में क्या मिला है, कैटल हुयुक। सेवरल थिंग्स वेर ब्राउट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेज, जैसे इस समय सीरिया से मंगवाया जाता था फ्लिंट, रेड सी से मंगवाया जाता था कॉरिज, सेल्स मंगवाया जाता था मेडिटेरियन सी से, एंड यूज इन द सेटलमेंट्स, उसको सेटलमेंट्स में यूज किया जाता था। इतने तरह से हम इसके बारे में जानते हैं। आप लोग जो है इसका पीडीएफ आप स्कूल के ऐप से नोट कर लीजिएगा, और इतना समझना है इसमें कौन सा साइट कहाँ है ये जानना जरूरी है, कैसे आदमी जाना कि हर्डर है, किस तरह की हड्डी मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स कहाँ कहाँ मिले हैं, वहां क्या मिला है ये याद रखना है, और डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ ये याद रखना है, किस जानवरों को पाले जाते थे, आदि बातों का हमें ध्यान रखना है इस चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।